भारतीय जनता पार्टी को आप गंगा से बना रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि गंगा, आपने तुलना करी है उससे, तुलना करी। मैं बोला आज मुझे आप बोले कि महात्मा गांधी ने हाफ नक्कर पहना, हम भी पहना, तो मेरी तुलना महात्मा गांधी से तो होगी। वो आप सनातनी और धर्म का नाम लेते हो और गंगा से बीजेपी पार्टी बात कर रहे हो। हर पार्टी कोई पार्टी कौन है? बीजेपी कौन है? वो गंगा में नहाने वाले ही हैं। तो कौन नहाने वाले हैं? तो अजीत पवार गंगा में नहा लिए, बीजेपी माँ गंगा हो गई, साफ हो गए। अबे मेरे भैया तुम तो गंगा हो, गंगा ये बीजेपी को गंगा बता रहे भाई साहब। भैया हमारे तो नहीं तो आचरण है, आप नहीं चलते। केजरीवाल सही है, गंगा हमारे शिव के ऊपर रहती है और कोई भी पार्टी कोई भी नेता गंगा भगवान के चरणों में रहता है, उससे हम तुलना नहीं कर सकते। अब इससे ज्यादा अंधभक्ति मुझे बर्दाश्त नहीं। चौहान फिर अशोक चौहान मंत्री कैसे बन गए? अजीत पवार मंत्री कैसे बन गए? उद्योगकारी मंत्री के नेता कैसे बन गए? चिन्नानंद सांसद कैसे बन गए? वो कुलदीप सिंह कैसे बन गए? अब बताओ ना कैसे, किसको वोट करें, किस नाम पे वोट दे रहे हैं? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? क्या सबको पता है विकास हुआ है देश में, विकास और विकास करना है। और दो दिन पहले आपने अमित शाह जी की मुलाकात में महंगाई बेरोजगारी है, विकास का एनकाउंटर हो गया कानपुर में, हत्या कर दी कानपुर में, विकास का एनकाउंटर हो गया। जब अभी अमित शाह जी ने दो दिन पहले बोला है कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाना है, इस बनाना है विश्व, भारत को विश्व गुरु बनाना है, दो साल दो दिन पहले बोल दिया। भारत विश्व गुरु किसके टाइम में था बताओ भैया, किसके टाइम में विश्व गुरु था? किस टाइम में था? सम्राट अशोक के टाइम में भारत विश्व गुरु था, इतिहास में आगे पढ़ लो। फिर अभी किसका था? 2014 का किसका था? मोदी जी ने 2014 के पहले आपको इसीलिए तो मोदी जी ने आपको दिया था कि 2022 मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने विधानसभा के संसद सभा में बोला कि कांग्रेस की बनाई हुई योजना को हम बंद नहीं करेंगे, ये उनके भाषण से की गए थे उन्होंने कहा ना, तो इसका मतलब अच्छा बात योजना होगी ना उनकी ना, तो नहीं बंद करोगे तुम्हारी तो मेरे भाई। अच्छी है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ भैया यार, मैंने सुनो मेरे पास सुनिए बता सुन तो लो, मोदी जी ने खुद बोला प्रधानमंत्री बनने पर बोला कि कांग्रेस की बनाई हुई योजना को हम बंद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब उनकी योजना अच्छी रही, और बोला मैं ढोल ताशे से बजा बजा के उसको आगे बढ़ाऊंगा, तो योजना अच्छी थी ना। अब रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट शांति से सुनिए, मोदी जी ने ये बात कही थी, बोले 70 साल में इंडिया के लोगों को खड्डा खोदने पे मजबूर किया मनरेगा में, इसीलिए ये इन लोगों का ताज है, ये मैं खोऊंगा नहीं 24 घंटे इन लोगों बंद कर दो ना। क्यों बंद करते? अरे आप आसमान में खड्डे खुदवाओ, क्यों ना बंद करो? जनता जब परेशान है आपसे, जनता परेशान होती तो बीजेपी की सरकार आती नहीं, जनता गड्ढे खोद के परेशान थी तो आपको ये बंद कर देना चाहिए था। परेशान तो आप दिख रहे हैं मुझे, परेशान तो आप दिख रहे हैं, जनता परेशान नहीं है, हम जनता नहीं है, हम जनता नहीं है। आपने बोला कांग्रेस की बनाई योजना को हम बंद नहीं करेंगे, ये देश की जनता नहीं है, ये देश की जनता नहीं है, देश के युवा नहीं है। तो 2024 में देख लीजिए जनता, भारत की जनता कौन है और क्या है, 2024 पता चल जाएगा अभी इलेक्शन में। आप देश की जनता नहीं है? अरे इन लोगों की नजर में नहीं हम देश की जनता, ये तो बोलते किसान आतंकवादी है। मैं इनसे एक पूछना पूछा कि मोदी जी फुल बहुमत से आए थे, उन्होंने मनरेगा क्यों नहीं बंद कराया? इनको ये समझाओ कि देश की जनता 38% वोट दे रही है, 62 तो उसके खिलाफ है, वो इनको समझाओ। आप मतलब उस समय हार गए, दूसरा कोई आ गया, आप अच्छे हो ना? अरे मेरा बात तो सुनो, मेरा बात सुनो ना पहले, आप बीच में नहीं, हम आपको, मैं आ गया उस जगह पे, ठीक है, मैं उस चीज पे लिपापोती नहीं करूंगा, क्योंकि आपने क्या किया वो चीज 24 घंटा दिखनी चाहिए, इसीलिए तो आपकी बात याद रहेगी कि हाँ। तो वो जनता आपसे उब जाएगी ना बिल्कुल, जो उनने मेरे साथ गड्ढा खुदवाया और तुमने भी तो गड्ढा ही खुदवाया, वही तो बात, तुमने गड्ढा बंद क्यों नहीं करवाया? देखो जिसको गड्ढा खोदना है यार, आप बंद कर दो ना मनरेगा को, आप मनरेगा बंद कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो चीज समझ नहीं रहे हो, बताओ ना मेरे को। मैं कह रहा मैंने गड्ढा खुदवाया आपसे, आपसे मेहनत करवाई, आप मुझे राजशाही MLA बना दो ना, क्यों नहीं बना देते हो? बना देखो तो, बंद करो। नहीं नहीं बंद, मुहर लगा बंद करो। क्यों बंद करें? ये धारा आपने खत्म कर दी ना, खराब थी ना? नहीं खराब, ये धारा आपने खत्म करी, धारा दी कौन बोला खराब थी? मोदी जी बोले ना। नहीं बिल्कुल नहीं बोला खराब थी। अरे फिर तो योजना खराब आदमी की योजना थी ना, वो खराब आदमी की योजना थी ना। नहीं नहीं नहीं, आदमी खराब, वो पार्टी खराब थी, पार्टी खराब, हाँ तो पार्टी खराब की योजना थी ना। कौन बोला कि वो योजना खराब थी? मोदी जी बोले ना, एक कहीं नहीं बोले, कांग्रेस चोर यही बोले ना, कांग्रेस 70 साल में
देश को बर्बाद कर दिया। और कांग्रेस ने मनरेगा अगर लाया तो आपने मनरेगा बंद क्यों नहीं किया? लेकिन विपक्ष का लगातार आरोप लगते हुआ है विपक्ष की तरफ से कि योगी बाबा की अगर बात की जाए तो बहुत सारे शहर का नाम चेंज कर देते हैं, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, इंदिरा गांधी आवास योजना का हटा के नाम हटा करके प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना चलती थी, आपने प्रधानमंत्री योजना कर दी, तो ऐसे मनरेगा ही बंद कर देते आप। मैं बात बताता हूँ, जो इंदिरा मनरेगा चल रही थी उसका पैसा कांग्रेस से आता था, सरकार कांग्रेस से आएगा, अभी अभी भी आ रहा है, आप प्रधानमंत्री दे रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने फिर उसको मोदी योजना बनाना था, तो फिर और बता रहे हैं, आप सुनते नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम का नाम है ना, इन्होंने बदल के प्रधानमंत्री क्यों कर दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोची से, तो फिर मनरेगा क्यों नहीं बंद कर दे रहे? आप फिर भी नहीं समझ रहे, अरे और जब आप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल कर उसको दूसरा कर सकते हो, मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर सकते हो, तो आप मनरेगा क्यों नहीं बंद कर देते? हम ये कह रहे हैं बंद क्यों करेंगे, क्यों नहीं बंद करेंगे, जब पूरी चीज है पूरे आदमी ने लाई है तो उसे बंद कर दो। मैं 10 बार आपको बोल दिया, हाँ, कि वो ही दिखाने के लिए जब तक मतलब जनता मर रही मरने दो, मरने का बात है जनता, अरे यार भाई तुम तो काम उससे करवा रहे हो ना, काम करवा रहे हो, गड्ढा खुदवा रहे हो ना उससे, पैसा भी बढ़ाया ऐसा बात नहीं, अरे पैसा हम क्यों बढ़ा रहे हो, बंद कर दो साले, खराब है मेरे, क्यों करते हैं, हाँ, मिड डे मील आप क्यों नहीं बंद कर देते हो, मिड डे मील क्यों बंद कर देते हो, अरे भैया मेरे वो गंदे आदमी की योजना है, आदमी की गंदे आदमी, यूपी में 108 नंबर डायल बंद क्यों नहीं करा देते, 100 नंबर डायल करा के 112 आपने कर दिया, उसे बंद क्यों नहीं करा देते यार? नहीं ये बिना मतलब का मतलब बिना तरक्की कोई बात, वो बेकार लोग की योजनाएं हैं तो आप बंद करा दो ना, ये नहीं कि कहा जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल मोदी गवर्नमेंट ने काफी विकास ही विकास हुआ है, हमारे देश का डंका विदेशों में पिटने लगा है, तो इनको बता दीजिए समझा दीजिए क्या विकास हुआ है। मेरा बात सुनियो, अगर इस बार मोदी जी हार गए कांग्रेस आ गई ठीक है, तो जो मोदी जी ने हाईवे ब्रिज बनाया वो तोड़वा देंगे, काम हो रहा है बुरा काम हो रहा है क्या? नहीं नहीं वो तोड़ देंगे, बुरा काम हो रहा है क्या? नहीं आप ही वही बोल रहे हैं बुरा काम, हम तो आप कह रहे हैं ना, मैं कब बोला कि हम नहीं, इनने बोला ये 70 साल में, सुनो 70 साल में देश में गड्ढा खुदवाया, यही तो बोले ना, वो तो गलत काम किया ना, वो नहीं बोला कि मनरेगा बेकार है, अरे यार योजना का नाम ही तो मनरेगा है, उन्होंने बोला कि आपने जो योजना बनाई है मैं उसको बंद नहीं करूंगा, उसको ढोल ताशे से बजा के पेश करूंगा, आपने 70 साल के जो गड्ढे खुदवाया है उस गड्ढे को बंद कर दीजिए आप, क्यों करेंगे वो दिखाएंगे, बोलिए आप, जनता परेशान होती रहे, जनता कहाँ परेशान हो रही है, कौन खोद रहा है गड्ढा, कोई भूखा आदमी नहीं खोद रहा है, मेरे पास कुछ खोद रहा है उसको बंद करवा दो, उसको यहाँ पार्लियामेंट में लाओ, अच्छी तरह की नौकरी दो, गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो, जनता को मिल रहा था बच्चों गरीब को मिला बंद करा दो, अभी तो खराब आदमी की है ये रेलवे जो कांग्रेस ने चलाई है वो बंद करवा दो, कौन बोला कांग्रेस ने चलाई है, नहीं कौन बोला कांग्रेस ने, कांग्रेस चलाई कौन 70 साल में, कांग्रेस ने चलाई 70 साल, अंग्रेजों की देन है, अरे 70 साल में कह रहा हूँ, कांग्रेस ने इसको 70 साल लूट के दांत थी ना अंग्रेज छोड़ के, बंद करा दो ना, बंद करा दो, बंद क्यों करा दिए, अरे यार बंद, ये आदमी बुरा है तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा ना, इसको मार दोगे, बिल्कुल हमने हट जा मेरे पीछे, मैं साथ नहीं रहेगा भैया, मैं इसके साथ नहीं, बुरा आदमी मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, इसका नाम और इसके साथ जो भी हमारे संबंध है मैं तोड़ दूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहने का बात ठीक है, तो उनके योजना बंद करा दो, बंद कराने का मतलब क्या है मेरे भैया बताओ आप, अरे जो आदमी गड्ढा खोद रहा है मेहनत कर रहा है बेचारा, उसको 150, 200, 300 मिल रहा है, उसकी मजदूरी आप बढ़ाई, हम कहते छोड़ दो दिल्ली बनाओ पार्लियामेंट में बैठा लो, तो आप ये कहे उसे मेहनत मत करवाओ, 20 करोड़ लोग हैं उनको पार्लियामेंट में बिठा ले, तो फिर इसका मतलब अच्छी योजना थी ना, योजना अच्छी है, खराब कौन बोला मेरे को, यार तुम ही तो कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं, मैं मोदी जी ने कभी नहीं किया कि कांग्रेस बुरी थी, अगर कांग्रेस बुरी थी इसलिए तो आपको लाए कि कांग्रेस बुरी थी, 70 साल उन्होंने 52 साल जो भी राज किया, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले यही आपने बोला ना, तो वो है कहाँ, वो जेल में है क्या, सब बेल पे हैं, तो फिर आप गंदा करवा दो, मैंने बेल पे फिर वो अशोक चौहान, सुनिए फिर अशोक चौहान मंत्री कैसे बन गए, अजीत पवार मंत्री कैसे बन गए, सुबुद्धोधकारी मंत्री के नेता कैसे बन गए, चिन्नानंद सांसद कैसे बन गए, दलीप वो कुलदीप सेंगर कैसे बन गए, आप बताओ ना कैसे, किसको वोट पे आप किस नाम पे वोट दे रहे हो यार, आपने ये बोला वो मंत्री कैसे बने, हाँ। थोड़ी देर पहले भाई ने उसने क्या बोला था, आप हरिद्वार क्यों जाते हो, गंगा नहाने, गंगा नहाने, हाँ।
जितना भी पाप करो वहाँ मतलब जो करके एकदम बोलते अब नहीं करेंगे भाई, हम सुधरना चाहते हैं, तो भाई वो आता है। आप हिंदू हो, हिंदू हो ना, तो आज आप हमारी गंगा मैया की तुलना एक भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हो। तो क्या हो आदमी यार, चश्मा ऊपर लगा ले, और तुम्हें तो कह रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी में गंगा तेरे साफ हो जाएगा। बात क्या बोलो, तो तुलना कर रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी को आप गंगा से बना रहे हो। आपने तुलना करी है उससे, आज मुझे आप बोले कि महात्मा गांधी ने हाफ नक्कर पहना हम भी पहना, तो मेरी तुलना महात्मा गांधी से तो होगी। वो आप सनातनी और धर्म का नाम लेते हो और गंगा से बीजेपी पार्टी बात कर रहे हो। हर पार्टी कोई पार्टी कौन है? बीजेपी कौन है? वो गंगा में नहाने वाले ही हैं। तो कौन नहाने वाले हैं? तो अजीत पवार गंगा में नहा लिए, बीजेपी माँ गंगा हो गई, साफ हो गए। अबे मेरे भैया तुम तो गंगा हो, गंगा ये बीजेपी को गंगा बता रहे भाई साहब। भैया हमारे तो नहीं आचरण है, आप नहीं चलते। केजरीवाल सही है, गंगा हमारे शिव के ऊपर रहती है, और कोई भी पार्टी कोई भी नेता गंगा भगवान के चरणों में रहता है, उससे हम तुलना नहीं कर सकते। अब इससे ज्यादा अंधभक्ति मुझे बर्दाश्त नहीं। जनता जो है अपने अपने राय रखते हैं, सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।